तो दोस्तों हम जा रहे हैं महाकालेश्वर जो पड़ता है एमपी में, उज्जैन एमपी महाकालेश्वर। तो अभी सुबह तक हम पहुंच जाएंगे, वहां बाबा के दर्शन करेंगे, फिर वहां से फिर देखते हैं, फिर और कहीं का मूड बढ़ेगा फिर चल देंगे हम। बाकी नाइट का सफर है और एक बड़ा, और फिर काफी टाइम बाद आना हुआ तो जो पहले सिचुएशन थी उनसे अच्छे रोड अब दिख रहा है। आप देख सकते हो रोड पे भी इतनी ज्यादा कि आउटर रोडों पे भी बाईपास से जो साइड से निकले हुए हैं इनके भी इतने ज्यादा लाइटिंग वगैरह और इतना खुला खुला, पहले इन चीजों का बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। राजस्थान के रोडों में तो स्पेशली दिक्कत थी। अभी देखते हैं, अभी तो राजस्थान में ही हमें अभी सारी नाइट लगेगी, उसके बाद एमपी में एंट्रेंस, फिर उज्जैन हम जाएंगे। मामा जो मामा के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अच्छा अच्छा, उनके स्टेट में जाएंगे, देखते हैं उनके स्टेट का क्या हाल है। हम और अभी हम महाकालेश्वर जा रहे हैं। लाला मैं कह रहा हूँ हम मुँह का ना अभी जाके आए तो वृंदावन और मथुरा में, अच्छा हाँ, तो लाला बड़ा मजा आगो, अच्छा लाला वहाँ के ना जो हमारी जो जनता है ना बहुत शानी हो गई है, अच्छा हाँ लाला बहुत मजा आये वहाँ, अच्छा मुँह को तो है ना ऐसा आनंद आयो, मुँह को तो मन न्यू करो कि मैं मुँह को उती रह जाऊ मैं, अच्छा हाँ बाबा के चरण में ही पढ़ रू। अरे राधे 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 राधे, शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो नीलकंठ महादेव। तो दोस्तों देखते हैं कैसा टूर रहता है, सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। और पास में डूंगर मिलते हैं अभी पहुंचने के बाद, अंदर और किला को पूरा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे हम। आज हम सुबह हमें जाना है महाकालेश्वर और बर्थडे है तो सोचा स्पेशली तो नहीं पर एक केक तो होना चाहिए। बिल्कुल अब अपने इतने ही थे और बाहर वैसे हैं, घर होते तो अलग था। इसमें माता बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सतवीर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम आ चुके हैं महाकालेश्वर दर्शन के लिए। हम बम बोले सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़। ये सारा मार्बल का है, मार्बल है ना मंदिर का, माने लाओ को ना अंदर अलाउ नहीं होता है, अच्छी बात है। तो प्रसाद से होगा क्या? तो सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, बहुत ही अच्छा व्यू है। इतने मंदिरों में गए, इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा व्यू हमें तो कहीं दिखा रहे।
नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जैसे बोलते हैं कि राजस्थान का इस दुर्ग को सबसे बड़ा दुर्ग बोलते हैं। इसके लगभग चारों तरफ हमने जैसे देखा भी कार से ही आपको